सिमरिया घाट गंगा के किनारे गंगा जल भी मिलेगा, गंगा की बालू भी मिलेगी और गाय की गोबर भी मिलेगी। ये तीनों से आपका उद्धार हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। आपातकाल का प्रायश्चित नहीं किए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री का तो ऐसे भी सपना रहने वाला है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जीवन में भी मुक्ति नहीं। नीतीश कुमार भूले नहीं, खुद अपने चेहरे को आईने में दिल्ली में। मुंगेरी लाल का हसीन सपना सपना ही रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गिरिराज सिंह जो हैं वह नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल बता रहे हैं और वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना सपना ही रह जाएगा। साथ ही साथ वह नीतीश कुमार को प्रायश्चित करने के लिए भी कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वह सिमरिया गए थे तो सिमरिया में गंगाजल लेकर, गाय का गोबर लेकर और बालू लेकर प्रायश्चित कर लें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गलत काम किया है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, वह नीतीश कुमार को काफी कुछ कह रहे हैं। पहले क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, यह आप वीडियो देखिए। एक बार प्रायश्चित कर लें जयप्रकाश से, देश की जनता से, बिहार की जनता से, और सिमरिया घाट गंगा के किनारे गंगा जल भी मिलेगा, गंगा की बालू भी मिलेगी और गाय की गोबर भी मिलेगी। ये तीनों से आपका उद्धार हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। अगर आपातकाल का प्रायश्चित नहीं किए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री का तो ऐसे भी सपना रहने वाला है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जीवन में भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हरिवंश जी दिल्ली एक देश के जाने माने केवल उपसभापति राज्यसभा नहीं है बल्कि एक पत्रकार है। उनके गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भूले नहीं, खुद अपने चेहरे को आईने में एक सवाल है। दिल्ली में एक शाहजहांपुर इलाके में मुस्लिम लड़के ने एक और चाकू मारे, अलावा मिला और गर्दन में रक्षा सूत्र बांधे हुए हैं और लड़की को 16 जगह चाकू से वार करके बेदम हत्या कर दी। देखिए ये तो नीतीश जी की सरकार और देश में टुकड़े टुकड़े गैंग की पार्टियों को इस साक्षी के मौत से कम से कम सबक सीखे। आज जब तक केरल स्टोरी बना तो भी लोगों को तकलीफ हुई, आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई कलेवा बांध करके, थक करके, लव जिहाद करके। ये देश का दुर्भाग्य है, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों में भ्रम सनातनियों में ना फैलाएं, अगर ये होते रहा तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। क्या इसका मतलब? उसमें याद रहता है अखंड भारत, ये अखंड भारत का, अखंड भारत का जिस भारतीय को याद नहीं रहेगा वो भारत की राष्ट्रीयता भी उसी तरह से याद नहीं रहेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि गिरिराज सिंह जो हैं वह नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुंगेरी लाल के भी काफ़ी हसीन सपने थे पर वह कभी पूरा नहीं हो पाया। उसी तरह नीतीश कुमार का जो हसीन सपना है प्रधानमंत्री बनने का, वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ वह विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह पटना में विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है, तमाम विपक्ष के नेता मौजूद होने वाले हैं, जो भी बीजेपी विरोधी पार्टियाँ हैं वह मौजूद होंगी। साथ ही साथ विपक्ष को एकजुट मजबूत करने की बातें होंगी, साथ ही साथ भाजपा को गद्दी से किस प्रकार हटाया जाए इस पर भी बातें होंगी। तो जब पत्रकारों ने गिरिराज सिंह से यह सवाल पूछा कि बड़ी बैठक जो है पटना में होने वाली है जिसके अगुआ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार अगुआ बनकर इस बैठक को संपन्न करवाएंगे और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जैसा कि नीतीश कुमार अभी विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर जगह जगह जा रहे हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात किया, ममता बनर्जी से मुलाकात किया, स्टालिन से मुलाकात किया, हेमंत सोरेन से मुलाकात किया, साथ ही साथ वह तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो इन तमाम नेताओं
कि आने की भी संभावना है। 12 जून को जो है यह नेता यहां पर उपस्थित होंगे और 12 जून को यह बड़ी बैठक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वह पटना आएंगे और बीजेपी को गद्दी से कैसे हटाया जाए इन तमाम चीज़ों की चर्चा परिचर्चा होगी, बातें चलेंगी कि किस तरह भाजपा को गद्दी से हटाया जाए और विपक्ष को मजबूत किया जाए। 2024 मिशन है और 2024 मिशन को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वह काफ़ी हावी दिख रहे हैं, वह बीजेपी पर लगातार बोल रहे हैं, विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, साथ ही साथ जदयू के जो तमाम नेता हैं वह लगातार भाजपा के विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस प्रकार गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार का सपना सपना ही रह जाएगा, वह जाकर प्रायश्चित कर लें गंगा के किनारे। अभी हाल ही में नीतीश कुमार सिमरिया गए हुए थे और सिमरिया का जिक्र करते हुए जो है गिरिराज सिंह प्रायश्चित की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जाकर वहाँ प्रायश्चित कर लें, वहाँ बालू गोबर साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे वह प्रायश्चित कर सकते हैं। जिस प्रकार गिरिराज सिंह का जो बयान है उसको किस प्रकार आप देखते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहे द बिहार टॉप। धन्यवाद।